हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो पहला पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो हमने सेट को डिफाइन किया था एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो यस इट इज़ ए सेट। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट एज ए इज इक्वल टू जनवरी, जून एंड जुलाई, विच इज़ स्टार्टिंग विथ लेटर जे, और ये मंथ्स हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी एक पर्सन को कोई और राइटर्स पसंद हैं, किसी दूसरे पर्सन को दूसरे 10 राइटर्स पसंद है, तो ये पार्ट हमारा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो ये हमारा सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेटर हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे किसी एक पर्सन की बात करते हैं तो उन्हें कुछ अलग प्लेयर्स पसंद हैं, किसी दूसरे पर्सन की बात करते हैं तो उन्हें अलग प्लेयर्स पसंद हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो किसी क्लास में कौन कौन बॉयज़ हैं, रोहन, सोहन, मोहन, तो वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो हम इसे कहेंगे यस इट फॉर्म्स ए सेट। तो सेट बनने के लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए, तो ये बॉयज़ एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फिफ्थ पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर्स अपने आप में ही एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेट की फॉर्म में। तो सेट बी को हमने डिफाइन किया सेट 1, 2, 3 एंड अप टू 99। तो ये सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट बी के जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक सेट है। सिक्स्थ पार्ट है हमारा एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो जो नॉवेल्स लिखे हैं वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं उसे हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेवन्थ पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स होते हैं हमारे मल्टीपल ऑफ 2, तो इन्हें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सेट, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 के मल्टीपल्स हर एक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सेट, और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट है हमारा 8th पार्ट से है दिया गया है हमें द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सेट, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम गिन सकते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9th पार्ट गिवन है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि किसी एक पर्सन के लिए स्नेक डेंजरस है तो किसी के लिए लॉयन डेंजरस है, तो ये एक सेट नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें एक सेट गिवन है ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 to 6, और हमें बताना है ये जो कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन है, इसके पार्ट गिवन है, क्या ये बिलोंग्स करते हैं ए से या डज नॉट बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग्स टू का साइन है और ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। तो हमें बताना है कौन कौन से एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करते हैं। तो 5, यस 5 बिलोंग्स टू ए। 8, क्योंकि 8 सेट ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0, डज नॉट बिलोंग। 4, यस 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2, यस इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। 10, क्योंकि 10 एग्जिस्ट नहीं करता है सेट ए में तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3, हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का हो या टेबलर फॉर्म का हो, तो पहला पार्ट हमें गिवन है एक्स कोई भी इंटीजर है जो लाई करता है एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में कहा जाए उसे रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में करना है तो हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लिखना है या अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखना है अगर अल्फ़ाबेटिकली कोई चीज़ रिप्रेजेंट करी गई है। तो हम सेट ए को लिखते हैं एक्स ग्रेटर देन -3 मतलब -2, -1, 0 एंड अप टू नंबर विच इज़ लेस देन 7। तो लेस देन 7 इंटीजर्स हमारे होते हैं 6 तक। तो ए हमारा सेट ऑफ एलिमेंट है जो -2 से 6 तक
इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। तो बी हमारा नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है जो लेस देन सिक्स है। तो लेस देन सिक्स हमारे नेचुरल नंबर होते हैं अप टू फाइव। तो हम बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सेट ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। तो दीज आर द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रोस्टर। देन नाउ थर्ड पार्ट सी, एक्स कोई भी टू डिजिट नंबर है जिनका सम्स आता है जोड़ कर के 8। तो टू डिजिट नंबर हमारे होते हैं, लाई करते हैं 10 से 99 तक। तो टू डिजिट नंबर हमें चेक करने हैं जिनके डिजिट्स को ऐड कर कर हमारा आ जाए 8 के बराबर। तो हमारी एक्स होती है ग्रेटर देन, मतलब एक्स टू डिजिट नंबर्स 10 से ग्रेटर देन, मतलब इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन 100। तो हम लिख सकते हैं 17, 1 प्लस 7 8, 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2 7 1 एंड 8 0। इनकी दोनों डिजिट्स को जोड़कर हमें मिलता है सम 8। तो सी हमारा हो गया सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टू डिजिट। डी पार्ट है हमारा, एक्स इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो डी रिप्रेजेंट करता है हमारा डिवाइजर ऑफ 60। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइजर ऑफ 60 जो प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर का ध्यान रखना है, डिवाइजर ऑफ 60 में प्राइम नंबर्स भी आते हैं और कंपोजिट नंबर्स भी आते हैं। तो हमें प्राइम नंबर का ध्यान देना है। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम डिवाइजर्स होते हैं 2, 3 एंड 5। तो हम डी के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2, 3 एंड 5। तो 2, 3 फॉर्म्स द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट डी। फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं जिन्हें हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी एक अल्फ़ाबेट या किसी एक न्यूमेरिक वैल्यू को सिंगल टाइम ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी कॉमन वैल्यू है तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमारा ओ रिपीट हो रहा था और हमारा टी रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, तो हम उसे सिंगल टाइम ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बन गया सेट ई। सिक्स्थ पार्ट हमें गिवन है, एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड बेटर। तो बेटर को हम किसी सेट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सेम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री की तरह। तो एफ को हम लिख सकते हैं सेट ऑफ एलिमेंट बी ई टी, और टी हमारा रिपीट है तो हम टी को नहीं लिखेंगे, ई हमारा रिपीट है इसे नहीं लिखेंगे, तो हमें मिलता है आर। तो ये 4 सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जो सेट एफ को बनाते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 4 की तरफ, जिसे रिप्रेजेंट करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला हमें सेट गिवन है ए, जिसमें 3, 6, 9 एंड 12, ये 4 एलिमेंट्स गिवन है, ये क्लियर हमें दिख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स, वेयर एक्स कैन बी रिटन एज 3 इंटू नेचुरल नंबर। एन कोई भी नेचुरल नंबर है जो नेचुरल नंबर हमारा लेस देन इज इक्वल टू 4 होगा। तो एन हमारा लेस देन इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू है 3n और 3 का मल्टीपल 12 तक, मतलब 3, 4 जा 12। तो एन हमारा 4 तक होगा। सेकेंड हमें गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो हमने सेट बी मान लिया जिसमें 2 के मल्टीपल 2 की पावर रिप्रेजेंट है, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 एंड 2 to the power 5। तो हमें अप टू 2 to the power 5 गिवन है। तो हम लिख सकते हैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में एज x such that x is equal to 2 to the power n, where n belongs to natural number and n is less than is equal to 5, क्योंकि हमें 2 to the power 5 होती है 32। तो 32 तक रिप्रेजेंट करना है हमें b को इन सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 5, 25, 125 एंड 625। तो c हमें रिप्रेजेंट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power। तो 5 की पावर 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3 एंड 5 to the power 4। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज x such that x is equal to 5 to the power n, where n belongs to natural number and n is less than is equal to 4। तो ये सेम है हमारा, जैसे 2 की पावर था वैसे ही हम 4, 5 की पावर। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है
टू के मल्टीपल्स, मतलब 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो इसे हम इवन नंबर्स भी लिख सकते हैं या डी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज हैव नो एंड पॉइंट, सो वी कैन राइट एज n इज बिलोंग्स टू n ओनली। फिफ्थ पार्ट इज गिवन एज 1, 4, 9 अप टू 100। तो 1, 4, 9 दिस, ये सारी संख्याएं हमारी हैं स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में एज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू है 100 जो 10 का स्क्वायर है। तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन फिफ्थ में हमें लिस्ट करने हैं एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें ऑड नेचुरल नंबर्स, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट ए, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये सभी हमारे ऑड नंबर्स हैं। सेकेंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2 एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक्स हमारा ग्रेटर देन -1/2 है एंड लेस देन 9/2 है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करना है इंटीजर के फॉर्म में। तो इंटीजर कान बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो एक्स हमारा ग्रेटर देन 0.5, -0.5 एंड लेस देन 4.5। तो जीरो से हमारे जो इंटीजर्स हैं वो स्टार्ट होंगे, क्यों? क्योंकि हमारा एक्स -0.5 से बड़ा है अप टू 4, तो बी रिप्रेजेंट हो गया 0 to 4। थर्ड पार्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 वेयर एक्स इज एन इंटीजर, इसे सेट की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 किस किस वैल्यूज़ के लिए होता है। तो एक्स इंटीजर से बिलोंग करता है, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर 4 के बराबर कब होता है? तो एक्स स्क्वायर 4 के बराबर होता है जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो। तो प्लस माइनस 2 के बीच में आने वाली सभी वैल्यू बिलोंग करेगी हमारे सेट से। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये है हमारा सेट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो लॉयल को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो हम लिख सकते हैं लॉयल को एज ए सेट d। तो d को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट l, o, y एंड a। l क्योंकि हमारा रिपीट हो चुका है तो हम l को नहीं रिपीट करेंगे। तो ये है हमारा सेट d। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारा x इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो उन सभी मंथ्स को हमें रिप्रेजेंट करना है सेट की फॉर्म में जो 31 डेज नहीं होते, जिन मंथ्स में 31 डेज नहीं होते। तो वो मंथ्स हैं हमारे फेबररी जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं, अप्रैल जिसमें 30 डेज होते हैं, ऐसे ही जून और सितंबर, तो इनमें सभी में 30 डेज होते हैं, और आता है नवंबर। तो ये 4 मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, फेबररी में होते हैं 28 या 29 डेज। सिक्स पार्ट है हमें एक्स को रिप्रेजेंट करना है कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ लेस देन या प्रेसीड वर्ड के, तो के से आने वाले सभी कॉन्सोनेंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो सेट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं, तो बी सी डी एफ जी एच एंड जे। तो ये सभी हमारे वर्ड्स हैं जो के से पहले आते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो वोवेल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6 जिसमें हमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करते हैं हम 1, 2, 3, 6 को चेक करते हैं क्या ये प्राइम नंबर या डिवाइजर ऑफ 6 है, तो नहीं। फिर x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, नहीं, क्योंकि 2 और 6 हमारे इवन नंबर होते हैं। तो x इज बिलोंग्स टू एन एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो यस, क्योंकि 6 के डिवाइजर होते हैं 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। 2, 3 हमारे प्राइम नंबर हैं और डिवाइजर ऑफ 6 भी हैं, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स को हमने रिप्रेजेंट करा है एज द वर्ड MATHEICS, तो ये क्लियर दिख रहा है हमें कि ये लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स है, तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। फोर्थ हमें गिवन है 1, 3, 5, 7 एंड
9, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए ऑड नंबर विच इज़ लेस देन 10। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को